अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्लास थ्री की साइंस की बुक है, इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर वन है द ब्रेन एंड फाइव सेंसेस। ठीक है, दिमाग और पांच जो हमारे सेंस हैं, ठीक है, जो अल्लाह ने हमें नेमतें अता की हैं, ठीक है, उनमें से पांच सेंस हैं हमारी, ठीक है, पांच, तो उसको पढ़ते हैं। डियर चिल्ड्रन, You have learned in the previous classes that all the living things have senses. ठीक है, वो कह रहे कि आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि तमाम जो जानदार चीज़ें उनकी सेंस होती हैं। ठीक है, दीज सेंसेज हेल्प अस टू नो अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। ये सेंस क्या करती है, हमारी मदद करती है क्या बताने में कि हमारे इर्द गिर्द दुनिया में जो कुछ हो रहा है। अ नॉर्मल ह्यूमन बींग हैज फाइव सेंसरी ऑर्गन एंड दे आर। ठीक है, तो आम इंसान में, ठीक है, पाँच अज़ा होते हैं, ठीक है, सेंसरी, ठीक है, सलाहियत, ठीक है, जिनकी वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं। तो वो कौन से हैं, आइज़ हैं जिनसे हम देखते हैं, ईयर कान है जिनसे हम सुनते हैं, नोज नाक है जिनसे हम सूंघते हैं, टंग है ज़ुबान जिससे हम चखते हैं, और स्किन है, ठीक है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। तो आपको दिया कि द सेंसेस आर द एबिलिटी, सेंस क्या है, वो सलाहियत है ऑफ योर सेंसरी ऑर्गन, ठीक है, हमारे अज़ा की, टू आइडेंटिफाई द चेंजेस अराउंड यू एंड विद इन द बॉडी। तो क्या है बेसिकली सेंसेस, क्या है वो सलाहियत है जिनसे हमें ये पता चलता है कि क्या तब्दीली आ रही है, ठीक है, इर्द गिर्द क्या तब्दीली आ रही है और हमारे जिस्म में क्या तब्दीली आती है। बोथ ह्यूमन एंड एनिमल गेट दिस नॉलेज फ्रॉम देयर सेंसेस एंड दैट इज़ व्हाई योर सेंसेस आर सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये दोनों इंसानों में भी और जानवरों में भी, ठीक है, ये मौजूद है। तो पढ़ते हैं कौन कौन सी हैं। तो फाइव सेंसेस दी गई हैं कि गिव द बॉडी इंफॉर्मेशन थ्रू, ठीक है, साइट, हम देखते कैसे हैं, बाय यूजिंग आँखों से, हियरिंग सुनते कैसे हैं, बाय यूजिंग ईयर से, ठीक है, टच हम जो है छू किससे सकते हैं, बाय यूजिंग हैंड से और फुट से, ठीक है, ये स्किन में आ जाता है, स्मेल बाय यूजिंग नोज नाक से हम सूंघते हैं, टेस्ट बाय यूजिंग टंग, ठीक है, तो ज़ुबान से हम चखते हैं। दिया गया द ऑर्गन ऑफ साइट, ठीक है, आइज़ के बारे में वो बता रहे हैं कि आँखों का क्या प्रोसेस है। तो आइज़ आर योर साइट ऑर्गन, ठीक है, आइज़ वो ऐसा है जिससे हम देख सकते हैं, आइज़ आर द लाइट ऑफ लाइफ, वी सी विद आवर आइज़ ऑल द टाइम, ठीक है, तो आइज़ से देखें हम रोशनी को देख सकते हैं, ठीक है, अगर आइज़ हैं तो रोशनी में हम देख सकते हैं, ठीक है, हमारी ज़िंदगी की रोशनी है आइज़, ठीक है, तो हम पूरा दिन अपनी आंखों से देखते हैं। अवर आइज़ वर्क लाइक अ वीडियो कैमरा, हमारी आंखें ऐसे काम करती हैं जैसे एक कैमरा होता है। एवरी थिंग वी लुक एट इज सेंड टू द ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग मच लाइक अ वीडियो रिकॉर्डर, ठीक है, तो वो सारी बातें हमारे दिमाग में चली जाती हैं जैसे किसी चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। दिस इंप्रेशन ऑफ द थिंग्स विच वी सी रिमेंस फॉर 10 सेकेंड इन अवर ईयर, ठीक है, तो जिसके असरात 10 सेकेंड तक हमारे सामने रहते हैं। हाउ डू योर आइज़ वर्क, हमारी आंखें कैसे काम करती हैं, कि द आइज़ आर इन टू लिटल हॉलो एरियाज इन द स्कूल कॉल्ड आई सॉकेट। डियर चिल्ड्रन, यू डू यू नो हाउ यू आर रीडिंग दिस बुक, वो कह रहे हैं कि जो आंखें हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हम बुक को कैसे रीड कर सकते हैं, आंखों के ज़रिए, ठीक है, हम देखेंगे, हमें नज़र आएगा तो हम रीड करेंगे। इट इज़ बिकॉज ऑफ लाइट एंड That is hitting the book and bounce off it. ठीक है, तो ये रोशनी की वजह से, जो क्या है, रोशनी बुक को हिट कर रही है और हमें नज़र आ रहा है और हम बुक पढ़ सकते हैं। आइज़ आर स्मॉल बट दे आर हैव मैनी वर्किंग पार्ट्स, ठीक है, आइज़ तो बहुत छोटी होती है लेकिन इनके काम करने के बहुत सारे हिस्से होते हैं। कॉर्निया, प्यूपिल, आयरस एंड रेटिनिया आर द पार्ट्स विच मेक अस एबल टू सी, ये वो हिस्से हैं चार जो हमें देखने के काबिल बनाते हैं। द लाइट रे इंटर थ्रो कॉर्निया एंड पास थ्रू द प्यूपिल, ठीक है, लाइट कहाँ से कहाँ दाखिल होती है, कॉर्निया में दाखिल होती है, देखें ये चीज़, ठीक है, इसको कॉर्निया बोला गया है, ठीक है, तो यहाँ से लाइट क्या होती है, दाखिल होती है एंड पास थ्रू द प्यूपिल, और प्यूपिल से गुजरती है ये, जिसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं। तो आयरस कंट्रोल द लाइट रे एंड द इमेज ऑफ थिंग इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, ठीक है, तो आयरस क्या करता है, कंट्रोल करता है इमेज को, ठीक है, थिंग्स को, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। देन इट इज सेंड टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व, तो ऑप्टिक नर्व से क्या है, ये ब्रेन में जाती है जिसकी वजह से हमें देखा हुआ याद रहता है। इमेज आर फॉर्म अप साइड डाउन ऑन द रेटिना बट द ब्रेन टर्न्स द राइट साइड अप एंड प्रोड्यूस द राइट इमेज,
तो वो ये क्या कह रहे हैं कि इन चार हिस्सों की मदद से ही हम क्या है देख पाते हैं, ठीक है, और हमारे दिमाग में बातें याद रहती हैं कि हमने क्या देखा था। तो देखिए ये आपको एक एक्चुअल इमेज में ट्री जो है आपको नज़र आ रहा है सीधा बना हुआ है, फिर आई बनाई बनी हुई है, और फिर इमेज फॉर्म ऑन रेटिना की मदद से जो देखा जा सकता है वो आपको दरख्त क्या है उल्टा नज़र आ रहा है ब्रेन, ठीक है, और उसके बाद फाइनल इमेज में आपको ट्री सीधा नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि द ऑर्गन ऑफ हेयरिंग ईयर्स, ठीक है, सुनने की सलाहियत जो अज़ा हैं वो क्या है कि डियर चिल्ड्रन यू हैव डैड ईयर आर द हेयर साउंड, ठीक है, कान की वजह से हम क्या करते हैं सुन सकते हैं। ईयर्स आर लोकेटेड ऑन द इधर साइड ऑफ योर हेड, हेड के ठीक है साथ ही नीचे वाली साइड पे कान लगे हुए हैं। दे कलेक्ट साउंड प्रोसेस देम एंड सेंड टू सिग्नल टू योर ब्रेन, ठीक है, हम आवाज़ सुनते हैं फिर वो सिग्नल की तरह हमारे दिमाग में जाते हैं और फिर हमें याद आता है कि हमने थोड़ी देर पहले ये बात सुनी थी, ठीक है। योर ईयर्स आर मेड अप ऑफ थ्री डिफरेंट सेक्शन, हमारे कान के जो है तीन सेक्शन है कौन से हैं, एक आउटर ईयर है, एक मिडल है और एक इनर है, उसको डिस्कस करते हैं। आउटर ईयर ये देखें आपको ईयर दिया गया, ठीक है, आउटर ईयर है, ठीक है, मिडल ईयर है और इनर ईयर है। तो आउटर ईयर क्या है, दिस इज द टाइप ऑफ डैट, दिस इज द पार्ट डैट पीपल कैन सी, ठीक है, ये वो वाला हिस्सा है बाहर वाला जिसको हम देख सकते हैं। इट हैज़ एन ईयर कैनल, ठीक है, साउंड वेव इंटर थ्रू द आउटर ईयर एंड देन रीच अ थिन लेयर ऑफ स्किनर कॉल्ड ईयर ड्रम विच वाइब्रेट, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि एक लेयर होती है छोटी सी, ठीक है, उसको ईयर ड्रम बोलते हैं, वो वाइब्रेट करती है जिसकी वजह से हम सुन सकते हैं। मिडल ईयर क्या है कि बिहाइंड द ईयर ड्रम इज द मिडल ईयर, इट इज स्मॉल स्पेस एंड देयर आर टीनी थ्री टाइनी बोन्स इन इट, दीज बोन्स आर कॉल्ड हार्मर एंड विल एंड स्ट्रिप दीज बोन्स वाइब्रेट विद द ईयर ड्रम, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि तीन हड्डियाँ छोटी छोटी होती हैं जिनके आपको नाम दिए गए, ठीक है, तो ये दरमियान वाले मिडल ईयर में मौजूद हैं। आगे आपको दिया गया इनर ईयर कि द इनर ईयर हैज़ अ ट्यूब, ठीक है, उसकी एक ट्यूब होती है और उसको उस वो लिक्विड और बालू से भरी होती है, दिस लिक्विड एंड हेयर रिमूव, ठीक है। तो इनर ईयर क्या है, इनर ईयर में एक ट्यूब होती है उसको कॉकलिया बोलते हैं, ठीक है, वो क्या है लिक्विड और हेयर से भरी होती है, दिस हेयर एंड एयर रिमूव एंड सेंड सिग्नल टू द ब्रेन, तो जिसकी वजह से सिग्नल क्या है ब्रेन तक पहुंचते हैं और हमें याद रहता है। देन द ब्रेन इन्फॉर्म अस अबाउट द साउंड वी हियर, तो फिर दिमाग हमें ये बताता है कि हमने क्या चीज़ सुनी थी।